हे गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो गाइस, मैं आपको बता दूं गाइस कि हाल ही में BTS के बारे में KBC में पूछा गया है एक सवाल, जो कि बहुत ही वायरल हो रहा है ये बात। तो गाइस, क्या पूछा गया था अमिताभ बच्चन के द्वारा, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला। कौन बनेगा करोड़पति में K-pop की घटना के बारे में कुछ सीखा। हाल ही के एक एपिसोड में उन्होंने एक प्रतियोगी से 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि के लिए BTS के बारे में एक सवाल पूछा। एपिसोड के वायरल हो रहे एक वीडियो में उन्होंने पूछा, बैंड BTS जिसके 3 सदस्य जीन, सुगा और जे होप है, वह किस एशियाई देश से है। विकल्प थे ए दक्षिण कोरिया, बी ईरान, सी श्रीलंका और डी मंगोलिया। प्रतियोगी ने शीघ्रता से प्रश्न का उत्तर दिया। अमिताभ बच्चन प्रभावित हुए और उन्होंने देखा कि उत्तर देते समय प्रतियोगी की मुस्कान काफ़ी उत्साहित थी। जब उन्होंने प्रश्न का सही उत्तर दिया तो बिग बी और BTS के पूर्ण रूप बैंगटन सोनी ओंडन के बारे में बताया, जिसके जवाब दिया, सर मुझे K-pop बहुत पसंद है। अमिताभ बच्चन इस बात से अनजान थे कि K-pop शब्द का क्या अर्थ होता है, इसलिए उन्होंने बताया कि K-pop का अर्थ कोरियाई संगीत है, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने कुछ नया सीखा है। देसी सेना इंडियन आर्मी मतलब कि जो फैंस है निश्चित रूप से बहुत खुश थी और इस तथ्य का जश्न मनाते हुए ट्विटर पर गई। BTS के इसे लोकप्रिय शो में बनाया था, इसे एक ने लिखा, बिल्कुल नहीं, उन्होंने BTS के संबंधित सवाल नहीं पूछा। आज जिमिन का जन्मदिन है, इसमें मेरा दिन बना दिया। दूसरे ने लिखा, BTS जल्द ही पाठ्यपुस्तकों में होगा, स्कूल बुक्स में भी होगा। तो गाइस, देख सकते हो कि फैंस बहुत ही खुश हो गए हैं और BTS को के बारे में सवाल देख करके KBC में। तो गाइस, ये बहुत ही सिलेक्शन अच्छा से किया गया था क्वेश्चंस के बारे में। तो गाइस, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये शो। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद एंड टेक केयर गाइस। एंड हाँ गाइस, डेली वीडियो दिन के 12 बजे आ जाया करेगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, आपको टाइम टू टाइम डेली अपडेट्स मिलते रहेगा BTS के बारे में। तो डेली 12 बजे दिन में आपको वेट करना, आपको वीडियो मिल जाएगा। ओके, बाय, जय हिंद।